घुस जा अंदर घुस जा। ये छुपा छुपी खेल रहा है क्या? घुस जा। अबे कबूतर खाने की कबूतर, तू नीचे घुस के क्या देख रहे हैं? थैंक गॉड मेरा प्रमोशन तो हुआ। क्या? कल तक सब मुझे उल्लू समझते थे, आज कबूतर तो माना। अबे ओ गधे, इसमें तेरा प्रमोशन नहीं है, इसमें कबूतर की इंसल्ट है। किस बात से कबूतर की इंसल्ट हो रही है? कुछ नहीं मॉम, डैड और किरण में कंफ्यूजन चल रहा है। किरण मुझे कबूतर बोल रही है और डैड मुझे गधा समझ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती मेरे हीरो जैसे बेटे को कबूतर और गधा कहते हो? मॉम मैंने सिर्फ इसे इतना बोला कि तू कबूतर खाने के कबूतर की तरह क्या ढूंढ रहे हैं। ये कब से ढूंढने लगा? ढूंढने की आदत तो मेरी है। लो प्रोफेसर, तुम्हारी भूलने की आदत है। हाँ याद आया, मैं भूल ही गया था। जैकी तू क्या ढूंढ रहा था? मॉम मैंने कागज के टुकड़े पर अपना नाम और पता लिखा था, वो गुम गया है। मगर तूने कागज के टुकड़े पर अपना नाम और पता क्यों लिखा था? मैं विजिटिंग कार्ड बनवा रहा हूँ। तो कौन सा कारोबार चालू कर रहा है जो विजिटिंग कार्ड छपवा रहा है? डैड मैं कोई कारोबार के लिए कार्ड थोड़ा छपा रहा हूँ, मैं तो यूं ही लड़कियों में स्टाइल मारने के लिए कार्ड छपा रहा हूँ। तू लड़कियों को दिल बांट बांट के थका नहीं जो कार्ड बांट रहे हैं? ये तू इसे समझाती क्यों नहीं है? दिन भर आवारगी करते घूमता रहता है। ए तू प्रोफेसर प्यारेलाल का बेटा या जुगनू का? जुगनू? डैड ये जुगनू कौन है? अरे वो नहीं क्या, वो क्या लव स्टोरी है वो लैला जुगनू? लैला जुगनू नहीं, लैला मजनू। मालूम है, मालूम है मुझे, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं, कॉलेज में पढ़ा है मैंने। मैला सजनू। मैला सजनू नहीं, लैला मजनू। सुना क्या? ओ मेरे भाई बाप, प्लीज लैला मजनू को छोड़िए और मेरी मदद करिए वो कागज के टुकड़े को ढूंढने में, मुझे कागज छपाने हैं। अबे वो कागज के टुकड़े पे तेरा पता ही लिखा था ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम भी लिखा था। पर एक नया कागज का टुकड़ा ले और उस पर अपना नाम और पता लिख डाल। कमाल है किरण, कमाल का आइडिया है। तो एक कागज का टुकड़ा घुस जाए, दूसरे कागज के टुकड़े पर लिख लो। अरे किरण का इंस्टेंट आइडिया है, तुसी ग्रेट हो, तुसी टॉप हो, तुसी तो डंपर हो। जा किरण दरवाजा खोल, जाके जा दरवाजा खोल। डैड दरवाजा खोलिए ना। नहीं जाती हूँ खोलने। क्या है? खाता है। कहाँ से आया? पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, मैं समझे कि म्यूजियम से आया है। अरे बाबा पढ़ रही हूँ, बताती हूँ कहाँ से आया है। अरे ये तो मेरे मायके से खत आया है। वही तो बोला ना, म्यूजियम से आया होगा। आगे पढ़, आगे पढ़। हमारी प्यारी प्यारी बेटी सजनी। प्यारी प्यारी कब से हो गई? आगे पढ़ना, आगे पढ़। और आदरणीय दामाद जी। आदरणीय दामाद जी कौन है? अरे आप हो ना। मैं तो प्रोफेसर प्यारेलाल हूँ। अरे मेरे बाबू जी के तो दामाद हुए ना। अच्छा जा, वैसे वैसे आगे पढ़, आगे पढ़। चिरंजीव किरण। अरे किरण तूने अपना सरनेम चिरंजीव कब से कर लिया? चिरंजीव का मतलब है लंबा जियो। मॉम आगे क्या लिखा है? जैकी और मिंटू हम यहाँ मजे में हैं, आशा है आप लोग भी मजे में होंगे। आशा ही रख सकते हैं ना, वो लोग आकर मजा तो करा नहीं सकते। चुप कर। आगे अहवाल ये है कि ऊपर वाले की दया से तुम्हारी बहन सिमरन की शादी आते महीने की 15 तारीख को तय हुई है, तो आप सब शादी अटेंड करने पहुंच जाना। खत को हमारा रूबरू आना समझकर निमंत्रण स्वीकार करना। ठीक है, तो उन्हें कांग्रेचुलेशन का खत लिख देना और नीचे लिख देना कि इस खत को पर्सनल आना समझ लेना। और अगर कम होगा तो एक कार का फोटोग्राफ भेज देना और उसके पीछे लिखना कि इस कार को अपनी कार समझ के इसमें बैठकर सब्जी खरीदने चली जाना। तोहफा 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 तोहफा। बहन की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी। मैं भी मासी की शादी पे जाऊंगी। मैं भी तो जाकर देखूं कि मेरे डैड की आधी घरवाली किसी और की पूरी घरवाली कैसे बनती है। मैं क्या यहाँ बैठकर अंडे बेचूंगा? ए राम, अरे अरे बाप रे, अरे स्टेशन से इतनी दूर चलकर आ गए, मैं तो थक गई। यहाँ ना ऑटो दिख रहा है ना घोड़ा गाड़ी, यहाँ तक कि कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। मॉम ये आपने आदमी का नाम लिया, आदमी आ गया। ऑटो किधर मिलेगा? जौनपुर में। जौनपुर कितनी दूर है? यहाँ से कुछ 30-35 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जाते कैसे? वो बस स्टॉप रहा, सामने बस आएगी थोड़ी देर में, चले जाना। मॉम डोंट वरी, मैं बस में जाकर जौनपुर से एक रिक्शा ले आता हूँ, हम लोग आराम से नाना जी के घर पहुँच जाएंगे। अबे ओ कम अकल, आधे किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए तू 30 किलोमीटर सफर करेगा? क्यों? डैड आप ही ने तो कहा था जिंदगी में अगर लंबा रास्ता हो और दूसरा छोटा तो हमेशा लंबा रास्ता लेना चाहिए, शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। इस गांव में कोई चमत्कारी दरगाह या मंदिर है, हम लोग इसका दिमाग ठीक होने की मदद मांगेंगे। इससे तो अच्छा मेरी शादी होने की मदद मांगे ना। बकवास बंद करो, अपना अपना बोरिया भी सर उठाओ, चल दो।
पैदा होने के लिए यही गांव मिला क्या? दुनिया चांद पे पहुंच गई, गांव में अभी तक ऑटो रिक्शा नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऑटो थी, इतनी कहां गायब हो गई? देखो ना, गांव भी वीरान वीरान सा लग रहा है। गांव वालों को पता चल गया होगा कि तुम आ गई हो। हम लोग आ गए हैं। हाँ, बहुत वीरान लग रहा है। पिछले 10 मिनट से मैंने कोई फूल पार्लर या डिस्को भी नहीं देखा है। चप्पल से मारू क्या इसे? पार्लर की क्या बात कर रहे हैं? उसका दिमाग कमजोर है, तुम चप्पल से मारोगे तो और कमजोर हो जाएगा ना। चप्पल दिमाग दुबली। और ये अरे गुड्डी मारू की बीच के सामने गुड्डी लगेगी। जी यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं होती ना? आप लोगों ने तो हमारे लिए स्टेशन से लेके घर तक रेड कार्पेट बिछाया था ना। स्टेशन से लेके यहाँ तक एक घोड़ा गाड़ी या रिक्शा भी नहीं मिली। अरे जग्गा डाकू की वजह से यहाँ के सब लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। क्यों? आजकल उस मोए जग्गे का बहुत आतंक फैला है। और आप लोगों ने हमें यहाँ बुला लिया। अगर वो हमारी किरण को उठाकर ले गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ना। अरे नहीं नहीं, वो औरतों को कुछ नहीं करता। हाँ, और जो लोग उसे उसका हफ्ता पहुँचाते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं। गांव में भी प्रोटेक्शन मनी सिस्टम आ गया। आप लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर लेते? हाँ, यहाँ एक छोटा सा थाना है, लेकिन जग्गा के डर से यहाँ कोई थानेदार नहीं टिकता। पिछली बार एक थानेदार ने उससे भिड़ने की कोशिश की, एक हफ्ते बाद चने के खेत में उसकी लाश मिली। वाह, एक चने का खेत वो था जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ जोरा जोरी हुई थी, और एक चने का खेत ये है जिसमें थानेदार की लाश मिली। बापू, सिमरन की शादी में जग्गा डाकू की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि सिमरन की शादी में मैंने जग्गा डाकू को चीफ गेस्ट बनाया। बोलो, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। बापू के देश में डाकू चीफ गेस्ट बन रहे हैं। गांव की बात ही कुछ और है, सब एकदम फ्रेश। शहर में तो सांस लेना दुश्वार हो गया आजकल, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। तू घर से निकला ना तभी मैंने तुझे माफ किया। आगे बोल, आप किस तरफ जा रहे थे? तो याद करना पड़ेगा। क्या है, तू टकरा गया ना उसमें, मैं भूल गया कि मैं किस तरफ जा रहा था। शायद आप थाने जा रहे हैं। थाना कौन जाएगा इतना लंबा, बम्बई कौन जाएगा अभी मैं? पुलिस थाने। अच्छा अच्छा, पुलिस थाना होगा होगा। तो एक काम करोगे? क्या है? ये लिफाफा थाने पहुंचाना था। आज थाने में नए थानेदार साहब आने वाले, लेकिन उनकी माता की तबीयत खराब हो गई तो वो अब एक हफ्ते बाद आएंगे। आप क्यों नहीं लिफाफा पहुंचाते? अगर जग्गा के आदमियों ने मुझे थाने जाते देख लिया तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। आप अजनबी है, आपको कोई पहचानता नहीं, आप रास्ता पूछने के बहाने थाने जा सकते हैं। बहाना क्यों, मुझे सचमुच रास्ता पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं रास्ता भूल गया हूँ। ठीक है, मैं आपको थाने का रास्ता बताता हूँ। बताइए बताइए। यहाँ से सीधे जाइए। सीधा गया, वहाँ एक मोड़ आएगा। कौन आएगा? मोड़ आएगा। बाएं मुड़िए, सामने थाना दिखाई देगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे रास्ता बताया। भगवान आपको खुश रखे। और भगवान आपको जिंदा रखे। पुलिस थाना, पुलिस थाना। अरे है क्या कोई अंदर? थाना पुलिस पुलिस कोई है क्या? पुलिस अंदर। अरे काय को चिल्ला रहा भाई, क्या चाहिए तेरे को? कौन है तू? ये मैं देने आया। खजूर? आप आ गए? से कह रहा हूँ खजूर। खजूर कौन? खजूर नहीं साहब, हजूर। अच्छा हजूर, मुझे तो लगा आज आप नहीं आने वाले। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि साहब जिसकी भी पोस्टिंग इस थाने में होती है, या तो उसकी माँ बीमार हो जाती है या फिर नानी मर जाती है। हजूर आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, अंदर। मुझे जाना है जल्दी, टाइम नहीं है। अंदर चलिए। अंदर क्यों? चलो चलो, आइए सर, आइए सर, आइए। ये है आपका पुलिस स्टेशन साहब, और ये है आपकी कुर्सी बैठने की। बैठिए साहब, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठू? हाँ साहब बैठिए। लेकिन कमाल है। हाँ साहब, क्या लाऊं? कुछ भी पिलाओ। क्या पियेंगे साहब? संतरा है, मौसम्बी है, नारंगी है, क्या पियेंगे? गंगा चमना पिलाओ। क्या बात है साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने आते ही पता लगा लिया कि यहाँ गंगा मौसी और जमुना मौसी थर्रे का अड्डा चलाती हैं। थर्रा? अबे गधे, मैं गंगा जमुना जूस की बात कर रहा हूँ। माफ करना हुजूर, अभी पेश करता हूँ। Thank you.
साहब गंगा जमुना शरबत। ये क्या है सब? साहब ये पिछले दो साल में आए हुए थानेदारों की तस्वीरें हैं। अच्छा? जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जग्गा डाकू ने जग से उठा दिया। अच्छा? हाँ जी। और ये फ्रेम खाली क्यों है? ये साहब पिछले साल गलती से दो बन गए थे, एक ऐसी खाली लटका दिया, लेकिन अब खाली रहेगा नहीं। क्यों? आप आ गए हैं ना साहब। ठीक है, वो क्या है? लॉकअप है साहब। लॉकअप है? लॉकअप खाली क्यों है? वो साहब क्या है कि बकरियां चरने गई हैं, शाम तक आ जाएंगी। लॉकअप में बकरियां? साहब क्या बताऊं, जब से जग्गा डाकू के कदम इस गांव में पड़े लॉकअप की तो बरकत ही चली गई। एक जमाना था जब 20-20 मुजरिम इस लॉकअप में पड़े रहते थे, और आज एक ही जमाना है लॉकअप तो लॉकअप, तालों को भी जंग लग गया है। ठीक है साहब, आपका भी न्योता आ गया। न्योता? कहाँ से लिखा है? जान की अमान चाहते हो तो जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस चले जाओ। जग्गा क्या लिखा है? है क्या बेकार हैंडराइटिंग है ये? ये लड़का एग्जाम में कभी पास नहीं हो सकता। साहब ये लड़का नहीं, जग्गा डाकू की चिट्ठी है। जग्गा है डाकू? जग्गा डाकू? जिस रास्ते से मैं, कौन से रास्ते से आया था मुझे क्या मालूम, तुम्हें वापस कैसे जाऊँ? मतलब आप वापस नहीं जा रहे? अरे जा ही नहीं सकता ना मैं। अरे बल्ले 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 क्या हो गया? दिलेर मेहंदी ऐसे रेल बेले क्या करे? मैं आपके लिए यूनिफॉर्म लेके आता हूँ। यूनिफॉर्म? हे भगवान ये कहाँ गए होंगे? मॉम भगवान को क्या पूछ रहे हो? जिस वक्त डैड घूमने गए थे उस टाइम भगवान सो रहे थे। मैंने डैड को कितना समझाया, घर के बाहर मत निकलो, गांव नया है भटक जाएंगे, लेकिन डैड ने नहीं सुना। किरण तेरी जबान ही काली है, उसको काट कर कुत्तों को खिला दे। कहीं डैड जंगल में तो नहीं चले गए? हाँ, उनको शेर तो नहीं उठाकर ले गया? या फिर आदिवासी ने उनको पकड़ कर आदमी फ्राई खाने का प्रोग्राम बनाया होगा? अरे जैकी अपने डैडी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मेरे डैड घूमे हैं तो मैं उनके बारे में सोचूंगा, आपके डैड के बारे में थोड़ी सोचूंगा। अरे मगर यहाँ बैठ के सोचने से क्या होगा, चलो चलो उन्हें ढूंढते हैं। साल में पहला थानेदार देखा है जो सिना खान के गांव में खुलेआम घूम रहा है। आज तो छाती निकल के चल रहा है, कल अर्थी निकल गए तो कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ चप्पलें अपने आप बिकती हैं क्या, बेचने के लिए कोई नहीं? है ना, आदमी है, आदमी है। सब लोगों ने मुझे सलाम किया, इसने क्यों नहीं किया? आपको सलाम करो आप। चप्पलें क्या भाव में थी? मुफ्त में ले लीजिए साहब। मुफ्त में? आज तक गरीबों में किताबें मुफ्त में बंटती थी, नोटबुक्स मुफ्त में बंटती थी, यहाँ चपड़े भी बंटती है क्या? पुलिस वालों के लिए सब कुछ मुफ्त है यहाँ साहब। हम क्या भिखारी हैं क्या? नहीं साहब, मरने वाले से क्या पैसा लेना? मतलब कितने दिन पहनेंगे साहब? दो तीन दिन ही ना, बाद में आपके शराब में काम में आएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मेरे कुंडली में लिखा है मैं 100 साल जीऊंगा, 100 साल। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो खुलेआम गांव में गश्त लगा रहा है? नहीं नहीं सरकार, वो जो खाता पीता उसके पैसे भी देता है। इसका मतलब वो ईमानदार है, और ईमानदार लोगों की बहुत इज्जत होती है। बहुत जल्दी वो पब्लिक में हीरो बन जाएगा। सरकार अगर वो हीरो बन गया तो आप जल्दी जीरो बन जाएंगे। चलो चल के उसे उसी के पुलिस स्टेशन में दफन करते हैं। हट चलो। ये असली है क्या? साहब क्या मजाक कर रहे हैं, पुलिस वालों के पास असली नहीं तो क्या नकली गन रहेगी? क्या कीमत है इसकी? एक तो 50-55 हजार। बोलो 5 रुपए की पेन मिलती है और 50,000 रुपए की गन, फिर भी इस देश में राइटर कम है और गुंडे ज्यादा है। बोलो कहाँ है वो थानेदार? ए कौन है?
जिंदगी में पहली बार मैंने बिना घंटी वाली लकड़ी का अंधा देखा। मैं सामने बैठा हूँ फिर भी पूछता है कौन है रे, कहाँ है ठानेदार, ए क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता है क्या? कॉम्पिटिशन बाद में बताता हूँ। अरे दिन भर गए क्या रे? दिन तो कब का भर गया है ना, हाँ देखो रात हो गई है, देखो ना कल ना कल कल। ए, तो मेरी चिट्ठी नहीं मिली क्या? वो चिट्ठी तुमने लिखी थी? क्या खराब हैंड राइटिंग गई यार तेरी, तू पहले डॉक्टर था क्या? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तू मुझे सी ग्रेड फिल्म का बी ग्रेड विलन लगता है। मेरा नाम जग्गा है। क्या जग्गा? चेहरे से तो तू लड्डू सिंह लगता है। मैं तेरा खून पिजाऊंगा। नहीं नहीं खून नहीं पीना, तुझे खून कहीं आसपास नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, तू एक गिलास दूध पी ले, क्योंकि मेनका गांधी ने कहा है कि दूध पीना ये खून पीने के बराबर है। अभी कहा है? अभी कहा है? तेरे को मेरे से डर नहीं लगता है क्या रे? मैं आजकल डरना भूल गया हूँ ना, क्योंकि भूलने की बीमारी है मुझे। साथियों पकड़ कर बांध लो इसे। अरे अरे क्या 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 कर रहे हो तुम? पे मारना है? मारना है क्यों? जिंदा जलाने के लिए? बदतमीज है, आज का उम्र किया, उम्र किया। स्टैंड अप ऑन द चेयर, स्टैंड अप ऑन द चेयर। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती? जब देखो शरारत, जब देखो शरारत। माँ बाप ने यही सिखाया क्या? अरे दुनिया में कंपटीशन कितना बढ़ गया है, तुम इस तरह की धत्तिंग करते रहोगे ना तो कोई खड़ा नहीं करेगा तुम्हें। और ए जग्गा क्या है रे? क्या क्या है घर में? कौन कौन है रे तेरे? माँ बाप है, दो भाई बहन है, बीवी है, बच्चे हैं। इतना बड़ा घर है तेरा और तू ऐसे धंधे करता है, है? कभी ये नहीं सोचा ना कि अपने माँ बाप को चार धाम की यात्रा कराऊं, अपने बीवी बच्चे को अच्छी जिंदगी दूं? कभी सोचा नहीं ना? है? तेरे बच्चे बड़े होकर क्या बोलेंगे? हमारा बाप क्या करता था? वो बोले दाढ़ी बढ़ाकर गुंडागिरी करता था। घर से बाहर निकलेगा ना तेरी बीवी मंगल सूत्र निकाल के कबर्ड में रख देगी, ये जान करके ये कभी नहीं वापस आएगा। आएगा ही नहीं। यार तू तो गम से भी ज्यादा जबान से डरा रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ऊपर जाके क्या जवाब देगा है? वो नर्क में क्या होता है पता है? गरम तेल के कढ़ाई में इंसान को ऐसे तलते हैं जैसे बरसात के दिनों में कांदा भुजिया तलते, पता है? समझो अगले जन्म में अगर तुझे डुक्कर बना दिया तो क्या करेगा तू? नहीं नहीं थानेदार साहब ऐसा मत बोलिए। अरे डुक्कर की बात तो बाद में, समझो अगले जन्म में तुझे कॉकरोच बना दिया तो क्या करेगा तू? नहीं नहीं मैं कॉकरोच नहीं बनना चाहता, मैं अपने हथियार रख देता हूँ। समझो अगले जन्म में तुझे अगर हथियार बना दिया तो क्या करेगा तू? बाजू में मत रखो। शाबाश शाबाश मेरे दोस्तों, मेरा दिल भर आया, अब सब मिलके प्रार्थना करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कमाल है, नाना जी को अपनी खुद की आंखों पर विश्वास नहीं है, दूसरों की आंखों पर क्या विश्वास होगा? मुझे लगता है डैड ने फिर से कोई लोचा मारा। डैड ये क्या कर रहे हो? मैं इस गुंडे लोगों की क्लास ले रहा हूँ। जगह भाई इनसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, इन्हें भूलने की आदत है। क्या थानेदार साहब भुलक्कड़ है? ये थानेदार नहीं है, प्रोफेसर है। अरे मर गए रे बाप। नहीं नहीं ये प्रोफेसर हो ही नहीं सकते, ये तो हमारे लिए मसीहा है। इन्होंने हम जैसे भटके हुए लोगों को जीवन की सच्ची राह बताई है। अरे कहाँ गए? इतना बोल के चले भी गए? आशीर्वाद दे दो। भूलने की आदत के वजह से ऐसा चमत्कार भी हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। किरण सोचना नहीं चाहिए, सोचने से क्या होता है? ऊपर वाले ने कहा है जब तक जो जो होता है तब तक कुछ कहा है। ये दुनिया एक नाटक है और हम सब इस नाटक के कलाकार हैं। फिर मैं